क्या जिद पकड़ के बैठ गई मिनी? पता है ना तुझे, मैंने मुझे को ये प्यार व्यार वाले गाने नहीं आते, तो तू जानती है ना अच्छे से। मैं नहीं जानती थी, लेकिन जानना चाहते हैं। मुझे नहीं आता कोई गाना भरा। चल मैं तेरी मदद करती हूँ। वेरी गुड। मैंने ये गाना कभी जिंदगी में नहीं सुना है। मुझे नहीं आता गाना ना मुझे गाने, प्लीज मुझे तंग मत कीजिए आप, प्लीज। अरे से मत लड़ मर जानी है, हार जाएगी। देख लिए सब, देख लिए मैंने। हनुमान के लिए तेरी फिक्र, तेरी तड़प, तेरा प्यार, जिसे तू आज तक खुद से छुपाती आई, नकारती आई, अपने दिल में दबा कर रखती आई, देखना अब वही दर्द तेरी आंखों में पिघल रहा है। इन्हें रोक मत, बह जाने दे। ये छटेंगे तभी तुझे साफ साफ नजर आएगा। समझ जाएगी। नहीं समझी तो? तू फिक्र मत कर, तेरी बेटी है वो, वो नहीं समझी तो कौन समझेगा। मुझे ऐसा लगता है नैंदी, बहुत अच्छे, मैं लायक नहीं हूं उनके, वो बहुत अच्छे। क्या मिलेगा, क्या दे पाओगे उन्हें? सिर्फ अपनी खराशों के सेवा में क्या दे पाओगे बताइए आप? क्या मिलेगा उन्हें मुझे चाहकर? ठीक ठीक नहीं है उनके लिए मुझे चाहना, ठीक नहीं है। अल्लाह मारी, सब कुछ तू ही तय कर लेगी क्या कि क्या सही है क्या गलत? कुछ तो हनुमान को भी तय करने दे। आपने मेरी रेडियो फरमाइश सुनी थी? और उन्होंने पता नहीं
मैंने उसे मैसेज तो कर दिया था। फिर भी उन्होंने नहीं सुना या सुन के अनसुना कर दिया, पता नहीं क्या। तुझे कैसे पता कि उसने अनसुना कर दिया? मैं दिन भर रेडियो को ट्यून करती रही नेम भी, पर ना कोई मैसेज, ना कोई बात, ना कोई इशारा, कुछ भी नहीं था। मैं कोई फोन भी नहीं किया उन्होंने मुझे। मैं पूरे दिन इंतजार करती रही और वो सारी फाइल लेकर आया, सब रिकॉर्ड लेकर आया वहां से। कह रहे भाई मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, बंद था ना फोन। अरे भैंस की पूंछ, इतने सारे मैसेज नहीं दी कभी है। रेडियो रेडियो FM सुन ना स्पीटे भाई बिशन सिंह, मोबाइल में अपने है क्या वो FM रेडियो? जी चलाओ भाई, जरा लाउड स्पीकर पे लगाओ। आज की तारीख में असम के 17 जिलों के गांवों में बाढ़ का पानी है, जिससे करीब 27 लाख भी के सुनाना चाहती मैंने प्रभावित हैं। आप सुनना क्या चाहते हो भाई? क्या सुनना चाहूंगा, देखो ऐसा है कि ना हमारी एक गोदली भी माँ है नहीं भी, वही रहती है मोहल्ले में, बहुत अच्छी है, मन्ने बहुत लाड करती है, बहुत प्यार करती है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी उम्र होगी ना ज्यादा, तो थोड़ी सी सतिया गई वो, तो कुछ का कुछ बोलती रहती है। अब कह रही भाई रेडियो चालू करो, ये हम लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मैंने कहा चलो भाई सुन ले इनकी भी। आ गया प्रश्न। फरमाइश करनी थी गाने की। तो ये है गाना फ्रॉम किराएदारनी जी टू लैंडलॉर्ड जी। चलो ना हनुमान अंकल, मैं आपको दिखा रही हूँ चोर कहाँ से आया। अरे कहाँ से? अरे हनुमान तू आ गया? हाँ नहीं भी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। हाँ बाबा आपका बेटा ठीक है, आपका बेटा वापस भी आ गया, आप भी ठीक हो, और आप जाओ ना आप नीचे। नहीं वो गेस्ट वेट कर रहे ना। हाँ। अरे अरे क्या अरे? दादी अम्मा नीचे मेहमान आपका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ओके। मुझे कुछ पता ही नहीं था, और बेब जी इधर थी। यार मैं ही बोलने जा रही हूँ, अपने सब कुछ मैं ही बताऊंगी, क्या कोई और कुछ नहीं बोलेगा क्या? मैं नहीं बता रही यार, भीम बता दे आगे क्या हुआ था, ठीक है? हनुमान अंकल सुन लेना।
बोलो यार, कुछ तो बोलो। किराएदारनी जी, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा था। कह रहा था जी कि मैं आ गया। इतने इमोशनल सियापे के बाद किराएदारनी जी मैं आ गया। यार हम आपको कुछ नहीं हो सकता हनुमान, टू मच। अब कौन कैसे सोएगा अब डिसाइड कर लेते हैं। देखो इतनी रात में किसी को कहीं पे जाने की जरूरत ना है। सीनियर सिटीजन भैया आप तो सो जाओगे मारी चारपाई पे मच्छरदानी तान के। रवे लाले तू इधर सो जा चटाई डाल के और मैं इधर ही पे एडजस्ट हो जाऊंगा। भाई बीजी नेम भी आप दोनों मेरे कमरे में, मिनी और प्रीत ऊपर वाली टेरेस के दीवान पे, मिक्की और बॉबी के लिए मैं गद्दे डाल देती हूँ। बॉबी तू बहुत पास आ रहा है, थोड़ा साइड हट ना। कोई ना मिक्की यार, मैं ऐसे ही सोता हूँ, टेंशन ना ले। टांगे हटाना तो अपनी, इतनी तो जगह है वहां जाके सोना। यार ऐसे तो मैं बोल रहा डार्लिंग, हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना, जब भी आवाज सोते हैं। आजा क्या हो गया तो इतनी लो क्यों है? अरे यार इतना लेट कर रहा है तुम, छोड़ो। ऊपर से इनका कोई प्लान भी काम नहीं किया, सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए। इतने सारे लोग भरे पड़े हैं घर में, हनुमान अंकल बीब्स को एक चांस नहीं मिला दूसरे सब ढंग से बात करने का। क्यों तो थी मेरी बात? वो फॉर्मेलिटी से एक वाली बात, उसे बात हम ना बोलता। तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि हनुमान अंकल शाहरुख खान की तरफ बाहें फैलाएंगे, बीब्स काजोल की तरह उनकी तरफ दौड़ते हो जाएगी, बारिश होगी तो वो कॉल डांस करेंगे और बैकग्राउंड में ना रोमांटिक ट्यून बजेगी और फिर तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर क्या कहेंगे, हनुमान बीब से कहेंगे आई लव यू, आई लव यू बबीता जी। और मैं बीब से कहेंगी आई लव यू टू थाउजेंड थर्टी, है ना? वेरी फन, वेरी फन। ये माना ये बॉल डांस ना हो, हवाएं ना चले, बैकग्राउंड म्यूजिक ना बजे, लेकिन यार एक आई लव यू तो बनता है ना। अब देख इसमें आती हैं दो प्रॉब्लम्स। एक, सब लोग दोनों को ऐसे घेर लेते जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हो ना। सेकंड, इतने शाही ना दोनों जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो हीरोइन की तरह। आई स्वेयर रिंग्स यार होपलेस है, कुछ नहीं हो पाएगा इनसे, क्यों ना हो पाएगा। अरे मुझे पता है, मुझे पता, लगता है नहीं पुश की जरूरत है। This is what my theory says. Yes, वरना नहीं बोलेंगे। My theory. Practical में तो तुझसे कुछ हो नहीं पाया। Theory में क्या क्या हक करेगी? सो जरा। मुझे तो नींद आ रही है यार। तू सोचती रह जो तुझे सोचना है। Stupid baby.
रियल लाइफ में थोड़ा ना हो सकता है सब कुछ। प्यार से भरोसा ही उड़ गया मेरा। सो गई क्या? बोरिंग पीपल। चल गुड नाइट ब्रीथ करे। चोर आ गया था उस रात, पकड़ा गया, FIR हो गई थी ना उसकी। ये कभी भूल के भी ना आएगा हमारी गली में। आपको परेशान तो नहीं किया चोर ने? मैनेज हो गया था। और क्या जानकारी है आपको चोर के बारे में? मैं भी पता नहीं कैसी बेवकूफों जैसी बात करने लग रहा हूं एकदम। नींद आ गई थी आपको? लाला है ना, बार बार फोन पे फोन कर रहा है। बताओ आधी रात को डिस्टर्ब कर दिया उसने तो। अरे देख के ना फेंक सके के, लग जाती माथे पे तो। अरे मोहल्ले के ना एंट्री बंद करा दूंगा तेरी, समझा? सॉरी साहब, गलती हो गई। जा मिनी, चल उठ अब, जल्दी उठ, सुबह हो गई, चल उठ जा। टाइम क्या हो रहा? 9 बज रहे हैं मिनी। 9 बज भी गए? हाँ तो सब तेरे जैसे सुअक्कड़ थोड़ी ना जो इतनी देर तक सोते रहेंगे। उन्हें उठाया क्यों नहीं मुझे? तुझे उठाना तो बड़ा आसान है ना, किसी तपस्या से कम होता है तुझे उठाना? हर कार्य की तरह ना बार बार गुहार लगानी पड़ती है हर 5 मिनट में। महारानी जी उठ जाइए, महारानी जी उठ जाइए। तब गुस्सा करते कितनी की उठ लगती है। अच्छा चल ठीक है, हट अब, चल फटाफट उठ अब और मुंह हाथ धो ले, फिर ये नाश्ता कर ले। दया रे नाश्ता? अरे यार आज नाश्ते में सिर्फ ब्रेड और दूध। व्हाट आर मींस
नंदिनी क्या कर रही है? बात लग रही है। क्या? अरे ना मुंह धोया ना ब्रश किया और इधर रखना नाश्ता। क्या हूँ? नहीं चले जाके मुंह हाथ धो कर आ, फिर बाद में तू जो कहेगी बना दूंगी। ठीक है चल अब चादर दे मुझे। कल तक तो आंधी तूफान आया हुआ था, आज सब कुछ बड़ा नॉर्मल हो गया। कल तक तो सब कुछ जंग थी, आग लगी हुई थी घर में, आज बड़ी मुश्किल मार के गई है मैं। हो क्या रहा है? तुमने किसी को कन्फेस किया कि नहीं? अरे वीर बालिका, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं यहाँ से दे दिया ब्रेकफास्ट में। कैसे हो आप? परफेक्टली फाइन हूँ। क्या पढ़ रहे हो? कोई स्पेशल यूज है क्या? नहीं ऐसा सच कोई स्पेशल नहीं। अच्छा क्या हो गया आपको? अच्छा चुप चुप क्यों बैठे हो? वैसे तो इतनी सारी चीजें बोलते रहते हो। नहीं आज क्या है छुरी, आज ना संडे है तो आज क्या फुल रिलैक्स मोड वाला डे है भाई, तो आज आराम से बैठो, आराम करो, क्या कहती तू चिल करो और इत्मीनान से बैठो। इत्मीनान तो ठीक है लेकिन अच्छा फ्री फंड में मुस्की क्यों मार रहे हो आप? मुस्की? अरे मुस्की कौन मार रही? चीटिंग मत करो। आप अभी मुस्की मार रहे थे, मैंने आपको देखा, मैंने आपको पकड़ लिया। आप बताओ मुझे क्या हो, बताओ ना। मैं कहा कौन सी मुस्की मार रहा हूँ? सॉरी अरे क्यों नहीं मुस्की मार रहे हो? ओफो बताओ ना हनुमान अंकल, मैं भी साथ में खुश हो जाऊंगी। बावली है क्या? मैं तो चाहता हूँ तू खुश है, तू लाइफ टाइम खुश है। बताओ ना। अरे इसमें हमारी परमिशन की क्या जरूरत है? तू खुश हो जा भाई। देख कोई खुश रहने के लिए कोई रीजन की जरूरत तो होती नहीं है, नहीं होती ना। एंड वन शुड बी हैप्पी एट योर ओन विल। ऐसे स्माइल करके रह तू, देख कितनी अच्छी लग रही है। चौपट पिला गई मेरा? अरे इसे हाथ में क्या हिला रहे हो अभी? अरे भाई की एक्सरसाइज भी ना करूं क्या? तो मेरा डेली रूटीन है, करता नहीं हूँ रोज एक्सरसाइज, आज भी कर रहा हूँ। एक दिन आप कुछ बता नहीं रहे हो मुझे। क्या बताऊं? बोल क्या बताऊं? बोलेगी हैं? क्या बात है, क्या सुनना चाहती है तू? मतलब मैं देख रहा हूं तब से तू ऐसे ऐसे एक बात के कुरेत के पता नहीं भाई तू क्या जानना चाह रही, क्या सुनना चाह रही, बता। जो तू जानना चाहेगी ना या जो तू सुनना चाहती है वही बोल दूंगा। एज यू लाइक बोल। कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं फिर बोल तो सही, बताओ। यस बात ये है हनुमान अंकल कि आप ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो गए हो, मैं आपसे बात नहीं करी। जाओ। मैं बोरिंग हूँ? सॉरी सुन मैं हूं ना तो पूरे पटियाला शहर के अंदर रौनक ही रौनक है, और बोरिंग होगी तू। किराएदारनी जी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.